माता देवहूति कपिल भगवान के बीच में ये बड़ा ही सुंदर संवाद होता है जिसे कपिल देवहूति संवाद कहते हैं। कपिल देवहूति संवाद में माता देवहूति भगवान से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु निर्विण्णानित राम भूम नशदिन्द्रिय तरशनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधं तमः प्रभो। हे प्रभु मेरे मन का एक प्रश्न है, एक गृहस्थ जीवन में जो भी सुख मिल सकता है, माता देवहूति कहती है वो सारा सुख मैंने पा लिया है। गृहस्थ जीवन में जो भी सुख मिल सकता है वो सब सुख मुझे मिला, लेकिन अभी तक मेरे मन में शांति नहीं आई है, मेरा मन अभी संतुष्ट नहीं हुआ। माता देवहूति कहती है, हे प्रभु तम त्वाम गता हम शरणम शरण्यम सुभृत्य संसारे तरोह कुठारम जिज्ञासया हम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म वेदां वरिष्ठम। मैं जानना चाहती हूं संसार के लोग जिस बंधन की बात करते हैं, बंधन शरीर का होता है या बंधन मन का होता है? बहुत सीधा प्रश्न है। कई बार हम लोगों से कहते ना कि भैया कभी वृंदावन भी आते जाते रहा करो, वृंदावन भी आओ, गिरिराज जी का दर्शन, नंदगांव का दर्शन। अधिकतर लोगों का ये जवाब मिलता है, महाराज जी क्या करें, बंधन इतने हैं कि घर से निकलना ही नहीं हो पाता, इतना बंधन है। बस बंधन का बहाना बना करके, महाराज जी क्या करें, बंधन ही इतने हैं, नहीं निकलना हो पाता है। आज वही समस्या का समाधान करने के लिए माता देवहूति ने कपिल भगवान से पूछा, प्रभु ये बंधन क्या है? बंधन शरीर से है या बंधन मन से है? हमको किसने बांध रखा है? कपिल भगवान कहते हैं, मां आप ध्यान से सुनो, योग आध्यात्म कह पुंसाम मतो निःश्रेय साय मैं आपको सांख्य योग का उपदेश करता हूं, और जिस उपदेश के बाद मन में कोई भी शंका नहीं रह जाती है। हे मां जिस आप बंधन की बात करती हैं ना, हमारा मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। आसानी से समझने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं, जैसे आप सब लोग जब भी अपने घर से कहीं बाहर जाते हैं तो घर में ताला लगाते हैं, लगाते कि नहीं लगाते? अच्छा, ताले को लगाने वाली और खोलने वाली चाबी एक ही होती है ना? ऐसा ताला मैंने तो आज तक नहीं देखा कि खोलने वाली चाबी अलग हो और लगाने वाली चाबी अलग हो। एक ही चाबी से ताला खुल भी जाता है और उसी चाबी से ताला लग भी जाता है। ताले के अंदर चाबी को डालकर जब हम ऐसे घुमाते हैं तो ताला लग जाता है, और ऐसे घुमाते हैं तो ताला बंधन मुक्त हो जाता है, खुल जाता है। हे मां जैसे एक ही चाबी से ताला लग भी जाता है और खुल भी जाता है, उसी तरह है ये मन भी एक चाबी का ही काम करता है। मन क्या है? एक चाबी है। मन एक चाबी का काम करता है। इस मन रूपी चाबी को जब हम संसार की ओर घुमाते हैं तो यही मन बंधन का कारण हो जाता है, और इस चाबी को जब हम
संसार की ओर घुमा देते हैं, मन को संसार में लगा देते हैं, तो यही मन मुक्ति बंधन का कारण हो जाता है। मन भगवान में लगाया तो मुक्ति, मन संसार में लगाया तो बंधन। इसलिए हे मां, इस मन को भगवान के चरणों में लगा दो, फिर कोई बंधन नहीं रहता। माता देवहूति ने कहा, प्रभु इस मन को भगवान के चरणों में लगाना ही तो बहुत कठिन काम है। चंचलम हे मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम। इस मन को वश में करना उतना कठिन काम है जितना कठिन हवा को वश में करना। तो ये मन भगवान के चरणों में कैसे लगेगा? कपिल भगवान कहते हैं, हे मां, इस मन को भगवान के चरणों में लगाने का एक ही साधन है, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत्करण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्त्मनि सद्भारतिर्भक्तिर्नुक्रमिष्यति। देखिए, मन को भगवान में लगाने का एक ही साधन है, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, हमेशा ऐसे संतों का संग करो जो भगवान की हमेशा कथा गाते रहते हो। क्योंकि मन का एक स्वभाव होता है, ये मन जैसे लोगों का संग करता है ये उसी का दीवाना हो जाता है। कई लोग क्रिकेट देखते देखते किसी खिलाड़ी के दीवाने हो जाते हैं, कई लोग किसी अभिनेता के फैन हो जाते, दीवाने हो जाते, कई लोग किसी नेता के दीवाने हो जाते, कई लोग किसी गायक के दीवाने हो जाते। जिसके बारे में ज्यादा सुनते हैं ये मन उसी का दीवाना हो जाता है। हे मां, हमेशा ऐसे संतों का संग करो जो भगवान की चर्चा करते रहते हो। तो भगवान से पूछा है, प्रभु संतों के क्या लक्षण हैं, संत कैसा होना चाहिए? संतों के लक्षण भगवान कपिल भगवान निवेदन करते हैं, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। हे मां, जो क्रोध का बदला भी कृपा से दे, जो कभी किसी से दोष नहीं देश नहीं मानता हो, निज प्रभु मैं देखई जगत कहिसन कवन विरोध, संसार में किसी को अपना दुश्मन ही न माने, सबको सम दृष्टि से सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। संत की परिभाषा है जो क्रोध का बदला भी कृपा से देता है। मुझे वो प्रसंग याद आता है, आपने भगवान को प्राणों से भी प्रिय लगने वाला एक ग्रंथ का नाम सुना होगा जिसका नाम है गीत गोविंद। नाम सुना है ना? गीत गोविंद के रचयिता महात्मा जयदेव जी महाराज एक बार किसी राजा के मन में इच्छा आई तो जयदेव जी को अपने महल में कुछ दिन के लिए रोका, खूब सेवा सत्कार किया। जब जयदेव जी महाराज जाने लगे तो राजा ने जयदेव जी को बहुत सारा द्रव्य देना चाहा, भेंट देनी चाहिए।
जयदेव जी ने कहा, हे राजन, द्रव्य दान दीजे वहां जहां करे कल्याण, त्यागी को धन दान है माहुर मृत्यु समान। राजा ने जयदेव जी से कहा, नहीं गुरुदेव, कुछ तो लेना पड़ेगा। जयदेव जी के लाख मना करने पर भी उस राजा ने जयदेव जी को एक बहुमूल्य रत्न दे दिया, हीरा दे दिया। जब सभा में सबके सामने जयदेव जी महाराज को बहुमूल्य हीरा दिया, उसी सभा में चार ठग बैठे थे। उन ठगों ने देखा कि महात्मा को बहुत बहुमूल्य हीरा मिला है। जयदेव जी उस हीरा को लेकर के जैसे ही राजा की सीमा से पार हुए, उन चारों ठगों ने जयदेव जी पर आक्रमण कर दिया, आक्रमण कर दिया और वो हीरा छीन लिया। अच्छा, एक बात और है, यदि जयदेव जी से राजी से वो चारों ठग हीरा मांगते तो जयदेव जी मना नहीं करते, ले जाओ भैया, वो त्यागी महात्मा है। लेकिन इन्होंने, ठगों ने क्या किया, वो हीरा भी ले लिया और हीरा लेकर के जयदेव जी का एक हाथ और एक पैर इनको काट करके कुएं में डाल दिया। ये सच्ची कथा है। और कुएं में डाल करके जयदेव जी महाराज को चारों ठग वो हीरा लेकर के भाग गए। लेकिन जयदेव जी महाराज तो राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। जयदेव जी तो हमेशा भगवान की राजी में राजी मिला करके जीवन जीने वाले महात्मा हैं। वो कुएं में गिर पड़े, लेकिन कुएं में पानी थोड़ा था तो कमर कमर तक जल में खड़े होकर के जयदेव जी महाराज वहां भी भगवान के उस गीत गोविंद का पाठ कर रहे, बड़े मीठे स्वर में गीत गोविंद गा रहे थे। उसी समय वहां का राजा शिकार खेलने के लिए निकला तो कुएं से बड़ी मधुर आवाज आ रही है, बड़ी सुंदर स्वर में मधुर आवाज आ रही है। स्वर में बड़ा चमत्कार होता मेरे भाई बहन, स्वर ब्रह्म का रूप है, स्वर ब्रह्म है। राजा ने कुएं में देखा तो जयदेव जी महाराज पड़े, सैनिकों से जयदेव जी महाराज को बाहर निकाला, सारी उंगलियां, हाथ यहां से पूरा उंगलियां सारी कटी हुई हैं, एक हाथ की एक पैर की। राजा महात्मा जयदेव को अपने महल में ले गए और वहां उनका खूब उपचार किया। राज्य वैद्य द्वारा यथावत चिकित्सा होने लगी। जयदेव जी महाराज की उंगलियां तो थी नहीं, तो ठूंठ से रह गए थे, आगे से उंगलियां अंगूठे वगैरह सब काट दिए थे एक हाथ के। पूरा राज परिवार जयदेव जी की बड़े सुंदर भाव के साथ में सेवा करने लगा। राजा नित्य महात्मा के पास में बड़ी से बड़ी भेंट भेजा करें और कहें, महाराज मेरा यह धन आप धर्म कार्य में लगा देना। लेकिन जयदेव जी हमेशा लौटा देते थे, राजन जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी तब मैं आपसे मांग लूंगा, अभी मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। एक बार राजा ने एक बहुत विशाल यज्ञ किया, जैसे हमारे यहाँ सतचंडी यज्ञ हो रहा है, श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ हो रहा है, ऐसे बहुत बड़ा यज्ञ किया। सारे क्षेत्र के संत महात्मा उस यज्ञ में आए और महात्माओं के लिए अलग अलग कुटिया बना रखी हैं। चार चार महात्मा एक एक कुटिया में ठहर सके, ऐसे कुटिया बना रखी हैं। बहुत सारे महात्मा आए,
अब उन चारों चोरों ने विचार किया कि महाराजा के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तो चलो हम भी साधु बन करके राजा के यज्ञ में चलते, हमें भी खूब सारी दक्षिणा मिलेगी, हमें भी खूब सेवा सम्मान मिलेगा, भोजन मिलेगा। राजा रोजाना साधु संतों के चरणों में प्रणाम करने जाता, सबको चकाचक भोजन मिल रहा है, खूब रोजाना दक्षिणा मिले। चारों जो नकली साधु चोर हैं वो बड़े आनंद में, भाई खूब आनंद आ रहा है। एक दिन जयदेव जी के मन में इच्छा हुई कि आज मैं भी साधु संतों का दर्शन करना चाहता हूं। अब आगे आगे राजा, पीछे पीछे जयदेव जी, महात्माओं के दर्शन करने के लिए लंगड़ाते हुए जयदेव जी महाराज हर कुटिया में जाते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। और जैसे ही जयदेव जी ने उस कुटिया में प्रवेश किया, जिस कुटिया में ये चारों चोर जिन्होंने इनके हाथ पैर को काट करके हीरा ले लिया था, वही चारों चोर साधु बन करके कुटिया में ठहरे हुए हैं। जैसे जयदेव जी ने प्रवेश किया, चारों महात्माओं ने, चारों ठगों ने इनको पहचान लिया, ओहो ये तो वही है जिससे हमने हीरा छीन लिया था, हाथ पैर काट दिए थे। अच्छा, जयदेव जी ने भी इन चारों को पहचान लिया। लेकिन उन चारों चोरों को जयदेव जी ने जब साधु वेश में देखा तो मन बड़ा प्रसन्न हुआ, हे भगवान आपने बड़ी कृपा की, इन चारों चोरों ने ठगी विद्या छोड़ करके ये साधु हो गए, ये भगवान का भजन करने लगे। चलो बेशक इन्होंने मेरे हाथ पैर काटे हो, लेकिन अब ये ठीक रास्ते पर आ गए, ये साधु बनकर आपका भजन करते, भगवान का धन्यवाद किया। दर्शन करके जैसे ही जयदेव जी महाराज अपने भवन में आए तो जयदेव जी ने राजा को बुलाया और राजा से बुलाकर कहा, हे राजन, अभी हम जिन संतों का दर्शन करके आए हैं उनमें से चार संत ऐसे हैं जो मेरे बचपन के मित्र हैं, मैं चाहता हूं उनका भली भांति स्वागत किया जाए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव आप बताइए, आज्ञा दीजिए उनकी क्या सेवा करूं। महात्मा ने सोचा, उन चारों चोरों को मैं बहुत सारा धन दिलवा दूं, क्योंकि धन की कमी के कारण ही वो चोरी करते हैं, भाई किसी ना किसी की कोई ना कोई मजबूरी होता है, तब वो किसी गलत रास्ते पर जाता है, उनके पास धन का अभाव है इसीलिए तो वो चोरी करते हैं, तो मैं उन चारों महात्माओं को बहुत सारा धन दिलवा देता हूं, वो चोरी करना छोड़ देंगे। कहा, उन चारों महात्माओं को जो मेरे मित्र हैं, खूब ढेर सारा धन सोना चांदी देकर आप विदा करो। राजा ने आज्ञा सिरोधार्य करके राजा ने अपने महल में सिपाहियों को बुलाया और कहा, जाओ अमुक नंबर की कुटिया में जो चार महात्मा ठहरे हैं उन्हें मेरे दरबार में बुलाकर लाइए। जैसे चारों महात्माओं के पास में सिपाही पहुंचे कि आपको राजा ने महल में याद किया है, अब चारों चोर समझ गए कि जयदेव जी ने हमारी पोल खोल दी, अब हमको सूली पर चढ़ाया जाएगा। लेकिन अब यहां चारों ओर सिपाहियों का पहरा, भाग भी नहीं सकते, तो चलने लगे। अब जैसी चारों महात्मा राजा के दरबार में पहुंचे तो महात्माओं के लिए राजा ने पहले से ही चार आसन लगा रखे हैं, महात्मा के चरण धोने के लिए राजा पहले से ही तैयार है। चारों महात्माओं को आसन पर बिठाया, चरण धोए, चरण धो करके अपनी रानियों को कहा, आओ आपके पास में जितना सोना चांदी है सब महात्माओं के चरणों में समर्पित कर दो। अब उनकी जान में जान आई कि हां,
सभी रानियों ने अपना अपना सोना चांदी जेवर उतार करके महात्माओं के चरणों में रख दिया। महात्माओं के चरणों में बैठकर राजा ने कहा सभी महात्माओं से, हे महात्माओं, आपको जितना धन चाहिए इसमें से आप ले जा सकते हैं, क्योंकि ये मेरे गुरुदेव की, इनकी जयदेव जी की आज्ञा है, मैं इनकी आज्ञा से आपको ये सारा धन दे रहा हूं। अब वो कोई साधु थोड़ी थे, बहुत सारा धन मिला, सोना चांदी सब बांध करके चलने लगे, लेकिन महात्मा जयदेव जी के मन में विचार आया कि मेरे पास में केवल एक हीरा था और उस एक हीरे के कारण से मेरे हाथ पैर कट गए। इनके पास में तो अनेकों हीरे हैं, कहीं इनका अमंगल ना हो जाए, कोई इनको भी मार करके इनका धन ना छीन ले। तो महात्मा ने कहा, महाराज मेरे जो चारों मित्र महात्मा हैं, इनके साथ में चार सिपाही भेजिए, जब तक हमारे राज्य की सीमा को पार न कर जाएं, तब तक सिपाही इनके साथ में जाएं, कोई लुटेरा इनको लूटे ना, कोई अमंगल ना हो जाए। ऐसा भाव लेकर के राजा ने चार सिपाही और महात्माओं के साथ भेज दिए। राजा की आज्ञा से चार सिपाही और एक हवलदार उन चारों महात्माओं के साथ चलने लगे। अब वो बड़े प्रसन्न, अपनी अपनी गठरी बांध कर लिए जा रहे थे, जब चारों महात्मा वो राज की सीमा पार करके अपनी सीमा में आ गए, चारों ओर खेतों में किसान काम कर रहे हैं, तो चारों सिपाहियों का जो हवलदार है, वो हवलदार ने महात्माओं से प्रश्न किया, भैया मित्रता हमेशा गुण और स्वभाव मिलने पर ही होती है, जिसका स्वभाव जिसके गुण एक जैसे हों, समान गुण वाले समान स्वभाव वाले लोगों में ही आपस में मित्रता होती है। फिर आपकी मित्रता जयदेव जी से कैसे होगी? जयदेव जी इतने त्यागी महात्मा और आप इतने लालची कि सारा सोना चांदी गठरी बांध करके अपने साथ में ले आए, तुम्हारे जैसे लालची महात्माओं के साथ में वो त्यागी महात्मा की मित्रता कैसे हो गई? सिपाही इसका कारण जानने के लिए उत्सुक हुए तो चारों ठगों ने कहा कि हमारी और वो महात्मा की मित्रता के पीछे एक कारण है। क्या कारण है? चारों महात्माओं ने कहा, हम चारों और तुम्हारे त्यागी महात्मा, देखो चोर को कितना भी कुछ मिल जाए, दुष्ट व्यक्ति को आप कितना भी कुछ दे दो, लेकिन वो कभी आपका एहसान नहीं मान सकता। चारों चोरों ने कहा कि हम और तुम्हारे त्यागी महात्मा एक राजा के यहां नौकरी किया करते थे, तो हम तो उच्च पदाधिकारी थे, ऊंचे पद पर काम करते थे, और तुम्हारे जो त्यागी महात्मा है ना, वो निम्न वर्ण की नौकरी किया करते थे। एक बार तुम्हारे उस त्यागी महात्मा से, जयदेव जी से कोई गलती हो गई, तो राजा ने हम चारों को जयदेव जी को मारने की आज्ञा दी, जाओ इसको मृत्यु के घाट उतार दो। जब हम तुम्हारे त्यागी महात्मा को मारने के लिए लेके गए, तो वो गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ने लगा, तो हमें उस पर दया आ गई, हमने उसकी केवल उंगलियां काट ली और उंगलियां काट करके राजा को दिखा दी, देखो हमने तुम्हारे नौकर को मार डाला है, लेकिन हमने तुम्हारे त्यागी महात्मा को जीवन दान दिया है, इसीलिए वो हमारा एहसान आज तक भी नहीं भूला है, उस एहसान को आज तक नहीं भूला, हमें याद करता है, वो आज भी हमारा सम्मान करता है। आहा, जैसे ही संत के लिए भगवान ने
ऐसे संत के लिए जिस संत ने इनको जीवन दान दिया, नहीं तो चाहता तो जयदेव जी यदि एक बार कह देते कि यही वो दुष्ट है जिन्होंने मेरे हाथ पैर काटे थे, तो राजा सूली पर चढ़ा देता कि नहीं चढ़ा देता? जिन्होंने जीवन दान दिया, इतना सारा धन दिया, उन्हीं के मुख से जब अपने किसी संत की ऐसी बात सुनी तो भगवान से सहन नहीं हुआ, क्योंकि भगवान के संविधान का एक नियम है, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जब अपने भक्त की संत की ऐसी बातें सुनी अपने भक्त के बारे में, इतना अपमान सुना, तो भगवान से नहीं रहा गया। सूर सिपाही ने सुनी चोर कथा धर ध्यान, पै विरोध निज भक्त को सह न सके भगवान। अपने भक्त का अपमान भगवान सहन नहीं कर सके, और क्या हुआ, सहसा ही धरती फटी, धरती फट गई, सहसा ही धरती फटी, चारों गए समाय, रतनन की गठरी परी कछुक दूर पर जाए। वो हीरे जवाहरात रत्नों की गठरी तो दूर गिर पड़ी, और चारों ठग चारों चोर धरती में समा गए। और इस घटना को जब चारों सिपाहियों ने, हवलदार ने देखा, तो क्या, हे भगवान ये क्या हो गया, अब इस धन का क्या करें, यदि हम इन पोटलियों को लेकर के सारा धन लेकर के वापस राजा के दरबार में जाते हैं तो पुलिस वाले तो वैसे ही बदनाम होते हैं, पुलिस तो वैसे ही बदनाम होती है, लोग कहेंगे, राजा कहेगा तुमने धन के लोभ में महात्माओं को मार दिया और धन लेकर के आ गए, कोई हमारा भरोसा नहीं करेगा। तो पुलिस वालों ने क्या किया, साथ में जो खेतों में किसान काम कर रहे थे उनको बुलाया और कहा, भैया ये सारा धन अपने सिर पर रखो और हमारे साथ चलो। चलने लगे, राजा को सारी घटना आकर सुनाई, राजा को बड़ा दुख हुआ, राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा भी सोचने लगे कि महात्मा जयदेव जी कहेंगे कि सिपाही रक्षा के लिए नहीं, वरना इसीलिए भेजे थे कि उनको मार करके गठरी छीन करके वापस ले आएंगे। कांपते हुए राजा सिपाहियों के साथ महात्मा के स्थान की ओर चले, लेकिन महात्मा जयदेव जी तो ध्यान में सारी लीला देख चुके थे। ध्यानस्थ बैठे हुए अश्रुपात बहाते हुए वो महात्मा जयदेव जी कह रहे थे, हे प्रभु, हुआ हा देव मेरे में उदय, दुष्कर्म यह कब का, जो जीवन में न कर सकता किसी के काम मतलब का, किया उपकार बना विनीत वह उपकार मेरे से, हुआ जिस पाप के कारण वहां संहार उन सब का, हे प्रभु ये मेरे से क्या अपराध हो गया, जिस धन के कारण से मेरे हाथ पैर कट गए, मैंने वही धन उनको दिलवा करके उनको उनकी तो जान ही चली गई। न धन लोभ में पड़ता ना अंगों के बिना रोता, वो थे उसमें बहाना, फल मिला था मेरे कर्तव्य का। महात्मा विदुर ने कहा, हे राजन, वह सब मेरे लोभ के कारण से हुआ था ना, मैं वह आपसे रत्न लेता, इसमें
इस पूरी घटनाक्रम का कारण केवल मैं ही हूं, ना मैं आपसे वो रत्न लेता और ना मेरे हाथ पैर कटते, ना मेरे हाथ पैर वो चारों चोर काटते, ठग काटते। और ये ऐसा नहीं होता तो मैं भी उनको इतना धन नहीं दिलवाता, और धन नहीं दिलवाता तो उनकी जान नहीं जाती। लेकिन महात्मा जयदेव जी के चरणों में राजा ने कहा, गुरुदेव इतना आप जैसे त्यागी संत की निंदा भी उन चोरों ने क्यों की, उन ठगों ने क्यों की? जयदेव जी महाराज ने कहा, भैया ये जिसके जीवन का जैसा संस्कार होता है वो कभी मिटता नहीं है। खलहु करहि भल पाय सो संगु, मिटहि न मलिन को भाव अभंगु। कभी ये मन का कुभाव नहीं मिटता। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति कभी सत्संग में आ भी जाएगा तो सत्संग में आने पर थोड़ी देर के लिए उसका स्वभाव परिवर्तन हो सकता है। कहा महाराज जी ठीक कहते हैं, चोरी नहीं करनी चाहिए, दो नंबर का धंधा नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें कथा में उसके लिए थोड़ी देर के लिए अच्छी लगेंगी, लेकिन जैसी कथा छोड़ करके बाहर निकलेगा उसका पहले जैसा स्वभाव हो जाता है। भगवान एक संत का अपमान सहन नहीं कर सके। ऐसा संत जिन चोरों ने महात्मा जयदेव जी के हाथ पैर काट दिए, उन चोरों का भी महात्मा ने कितना सम्मान किया। कपिल भगवान कहते हैं, मां ऐसा महात्मा जो क्रोध का बदला भी कृपा से दे उसे संत कहते हैं। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्त्मनी श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। लेकिन हे मां जो संतों का संग नहीं करता, जो भगवान की भक्ति नहीं करता, ऐसे जीव 28 प्रकार के नरकों की यातना भोगते हैं, और 28 प्रकार के नरकों की यातना भोगने के पश्चात वह जीव पुनः सबसे पहले अन्न में प्रवेश करता है। भगवान कपिल भगवान कहते हैं ये जीव सबसे पहले अन्न में प्रवेश करता है, और अन्न के द्वारा पिता के खून में प्रवेश करता है, और पिता के खून से फिर वीर्य का निर्माण होता है, और ये पिता के वीर्य का आश्रय लेकर के फिर माता के गर्भ में प्रवेश कर जाता है। ये जब मां के गर्भ में 10 दिन का हो जाता है तो 10 दिन में एक बेर के जैसी इसकी आकृति हो जाती है, बेर जैसा आकार 10 दिन में हो जाता है। ध्यान दो कितना बढ़िया विज्ञान है। जब ये जीव अपने मां के गर्भ में 1 महीने का होता है तो 1 महीने में सबसे पहले इसके सिर का निर्माण होता है, दूसरे महीने में हाथ पैर बनना शुरू हो जाता है, और जैसे तीसरा महीना पूरा होता है, तीसरा महीना पूरा होते ही बेटी होगी या बेटा होगा इसका निर्णय हो जाता है। 3 महीना पूरा होने पर बेटी बेटा का चिन्ह बन जाता है। 4th महीने में सभी धातुओं से ये पुष्ट हो जाता है। 5वें महीने में इसे भूख प्यास का अनुभव होने लगता है, मां के गर्भ में भूख लगने लगती है।
छठवें महीने में ये झिल्ली में लिपट करके माता की दाहिनी कोख में ऐसे गति करने लगता है, हाथ पैर हिलाने लगता है, चलना फिरने लगता है। सातवें महीने में इसकी ज्ञान शक्ति का संचार हो जाता है। इसमें ज्ञान आ जाता है और इसे पिछले 100 जन्मों की याद आती है और उन जन्मों के कर्मों को याद करके ये परमात्मा से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इस घोर नरक से बाहर निकाल दो, मैं इस बार कोई भूल नहीं करूंगा, बाहर आते ही आपका भजन करूंगा, दान करूंगा, पुण्य करूंगा, यज्ञ करूंगा, भागवत कथा सुनूंगा, जाऊंगा, क्योंकि इस जीव को माता के गर्भ में जितना कष्ट मिलता है उतना संसार में कभी नहीं मिलता। इसकी कोमल त्वचा होती है, माता तेज मसालेदार भोजन करती है, इसकी कोमल त्वचा को जाकर लगता है कि बड़ा छटपट आता है और यह स्वाभाविक है। माताओं के गर्भ में जब बालक होता है तो स्वाभाविक ही है उन्हें चटपटा खाने की इच्छा होती है। जब पेट में बालक होता है तो हर तीसरे दिन आज तो पानी पूरी खाने की इच्छा हो रही है, चलो ना, कभी कुछ खाने की, कभी कुछ खाने की। और वो जब मिर्च मसालेदार इसकी कोमल त्वचा को जाकर लगता है तो ऐसे तड़फड़ाता है, फिर भगवान से प्रार्थना करता है, मुझे हे प्रभु मुझे गर्भ से बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। जैसे ही नौवां महीना पूरा होता है, प्रसूति वायु इस जीव को गर्भ से बाहर निकाल देती है और गर्भ से बाहर निकाल करके ये जैसे ही संसार में आया, जैसे संसार में आया, संसार में आते ही ये रोने लगता है। और यदि कोई बालक नहीं रोता है तो उसे मार मार करके रुलाया जाता है। एक महात्मा तो कहते हैं, भैया जीवन की यात्रा का शुभारंभ ही रोने से होता है, जीवन की यात्रा का शुभारंभ रोने से होता है। और ये जन्म लेते ही ऐसा रोया कि फिर पूरे जीवन भर इसका रोना बंद नहीं होता। जब बचपन में था बोलना नहीं जानता था, चारपाई पर माता लिटा देती, खटमल ने काट लिया, माता को लगा, जब खटमल के काटने से बालक रोया, माता को लगा कहीं कान में दर्द तो नहीं हो रहा, तो कान में गरम तेल करके डाल दिया, बोल तो पाता नहीं। कभी भूख के कारण से रोता है, माता को लगा कहीं पेट में दर्द तो नहीं हो रहा, तो डॉक्टर के पास में लेके गई। थोड़ा और बड़ा होता है तो स्कूल में एडमिशन करवा दिया, अब माँ बाप रात दिन पढ़ाई के लिए, अरे बेटा जल्दी होमवर्क नहीं किया, स्कूल जाना है, बस आ रही होगी पढ़ाई के लिए रोना। जब पढ़ लिख करके बड़े हो गए तब नौकरी के लिए रोना, नौकरी लग गई अब विवाह के लिए रोना, कोई अनुकूल घरवाली नहीं मिल रही, विवाह भी हो गया अब घरवाली के लिए रोना, घरवाली के खर्चे पूरे नहीं होते, इतने खर्चे रोजाना, शाम को बेचारा हारा थका था, लिस्ट पकड़ा देती महाराज कल ये सामान ले आना। ये इस संसार में ऐसा उलझ जाता है, ऐसा उलझ जाता है संसार की सुंदरता पर, ऐसा उलझ गया, परमात्मा को जो वायदा करके आता है उसे भूल जाता है, संसार में उलझ जाता है। एक महापुरुष ने अपना बड़ा सुंदर चिंतन
उलझ मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे टूट जाते हैं, सहारे टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, सहारे टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में, तमन्नाएं जो तेरी है, फुहारे हैं ये सावन की, तमन्नाएं जो तेरी है, फुहारे हैं ये सावन की, तमन्नाएं जो तेरी हारे हैं ये सावन के, तमन्ना ये जो तेरी है, फुहारे हैं जो सावन के, फुहारे सूख जाते हैं, फुहारे सूख जाते मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, अरे वो सबसे बढ़िया संबल है राम नाम का, भगवान के नाम का।
जिसके पास भगवान के नाम का संबल है वो कहीं नहीं डूब सकता। तू संभल नाम का लेकर किनारों से किनारा कर, तू संभल नाम का लेकर किनारों से किनारा कर, किनारे छूट जाते हैं किनारे छूट जाते जग रहना, परम प्रभु की शरण लेकर विकारों से सजग रहना, परम प्रभु की शरण लेकर विकारों से सजग रहना, कहा कब मन बिगड़ जाए, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विकारों का भरोसा क्या, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विकारों का भरोसा क्या, कर दुनिया के मालिक पर, अगर विश्वास करना है तो कर दुनिया के मालिक पर, धनी अभिमानी दुनिया पर
ईमान दुनिया का जहां में है भरो साका उलझ मत दिल बहारो में उलझ मत दिल बहारो उलझ मत दिल बहारों में बहारों का भरोसा क्या तू अपनी अकल मंदी पर विचारों पर न इतराना अपनी अकलमंदी पर अपने विचारों पर कभी भरोसा मत करना क्यों कहां कब मन बिगड़ जाए मन कहां कब मन बिगड़ जाए विकारों का भरोसा क्या उलझ मत दिल बहारों में और संसार के जो सहारे हैं ना सहारे छूट जाते हैं ये संसार के सहारे कब तक हैं जब तक तुम्हारे नाम की जय जयकार दुनिया में होती है तो सब अपने हैं और जब बात बिगड़ गई तो फिर कोई अपना नहीं सहारे छूट जाते हैं सहारों का भरोसा क्या अगर विश्वास करना है तो कर दुनिया के मालिक पर धनी अभिमानी दुनिया का जहां में है भरोसा क्या उलझ मत दिल बहारों में मेरे भाई बहन विश्वास करना है तो केवल भरोसा परमात्मा पर करना और किसी चीज पर भरोसा नहीं ये सारा कपिल देवहूति संवाद का प्रसंग माता देवहूति ने कहा प्रभु हमने तो आपके पूरे संवाद का एक ही निचोड़ निकाला है हमने जो जो आपके श्रीमुख से सुना उसका एक ही निचोड़ है
अहो बतस्वपचो तो गरिया यज्जिहवाग्रे वरतते नाम तुभ्यम। कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यहां तक चांडाल क्यों ना हो, मरने से पहले जो आपके नाम का आश्रय ले लेता है उसे नरकों की यातना नहीं भोगनी पड़ती, उसका कल्याण हो जाता है। एक बार सभी भाव से बोल दीजिए जय श्री कृष्ण, जोर से कहिए जय श्री कृष्ण। ऐसे नहीं जोर से बोलिए, आपकी आवाज पूरे भारत में पूरे विश्व में जानी चाहिए, क्योंकि ये कथा केवल आप ही नहीं सुन